हेलो एवरीवन। तो जो भी स्टूडेंट JEE मेंस 2023 के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, मतलब वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें 2023 में एग्ज़ाम देना है JEE मेंस की, तो उनके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि उनकी एग्ज़ाम कब होंगी और उनके एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ कब होंगे JEE मेंस के द्वारा ऑफिशियली वेबसाइट पर। तो वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे ही आप गूगल पर सर्च करोगे JEE मेंस 2023, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा। बस यहाँ पर आप एक वेबसाइट देख सकते हैं जैसे कि Career 360 है, वहाँ पे मैं आपको थोड़ा आइडिया बता देता हूँ कि आपके मतलब कैसे कब एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, कब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ कब होगा। तो एक थोड़ा आइडिया मिल जाएगा इससे आपको। तो आप ये वीडियो कंटिन्यू वॉच कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके का कंटेंट मैं अपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं JEE मेंस डेट 2023 के लिए, ये डेट्स टीनेज हुए, मतलब कैसे कि ये एकदम कन्फर्म नहीं है। ये बस वेबसाइट आइडिया लगा रही है कि मतलब ये कब तक हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स और कब तक ये रिलीज़ हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं रिलीज़ ऑफ ऑफिशियली JEE मेंस नोटिफिकेशन नवंबर में आपका रिलीज़ कर दिया जाएगा बोल रहे हैं, और अवेलेबिलिटी ऑफ JEE मेंस 2020 थ्रू ब्राउचर ये भी आपका नवंबर में हो जाएगा बोलते हैं अवेलेबल। ये इनका बस प्रिडिक्शन है। तो उसके बाद फिर क्या बोल रही है, रजिस्ट्रेशन मतलब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से चालू हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मतलब आपके दो सेशंस हो सकते हैं, मतलब जैसे कि दो अटेम्प्ट हो सकते हैं 2023 के लिए। तो वो दो अटेम्प्ट के लिए जैसे कि जनवरी में हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट, और सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल में हो सकता है। नहीं तो फिर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट अगर डिले हो गया थोड़ा, तो आपका फिर फर्स्ट अटेम्प्ट अप्रैल में हो, क्योंकि फरवरी और मार्च जो है वो आपका एग्ज़ाम है और आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम रहेंगे, तो फिर आप वहाँ पर तब आप JEE की एग्ज़ाम नहीं हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँगा। तो इसलिए ये वेबसाइट वही प्रेडिक्शन कर रही है कि मतलब आपका जो JEE मेंस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, मतलब वो कब जनवरी सेशन के लिए निकलेगा, तो वो कब निकलेगा आपका नवंबर में निकल सकता है। अप्रैल सेशन के लिए आपको फिल करना है तो वो लास्ट वीक ऑफ मार्च में निकल सकता है आपका। तो फिर उसके बाद आपका ये जो लास्ट डेट है वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि मतलब जैसे कि आपका जो JEE मेंस का एग्ज़ाम है 2023 के लिए, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है JEE मेंस 2022 के लिए, वो आपके नवंबर या फिर दिसंबर में, अगर नवंबर में नहीं रिलीज़ होते हैं तो दिसंबर में फर्स्ट वीक में आपके ज़रूर से ज़रूर रिलीज़ हो जाएंगे। तब आपको फिल कर देना है, और वो जब रिलीज़ होंगे तब मैं आपको वीडियो बना के अपडेट तो दे दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए जिससे कि आपको डायरेक्ट मतलब जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये वेबसाइट बस प्रिडिक्शन कर रही है, मैंने ये प्रिडिक्शन आपको बताया है। ऑफिशियली कुछ रिलीज़ नहीं हुआ है अब तक, बस आपके मन में जितने भी डाउट होंगे वो आप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेंगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।